हाय गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, तो अभी मैं हूँ गोवा का जो सबसे पुराना चर्च है, ओल्ड गोवा चर्च में। तो मैं यहाँ पे एक्सप्लोर करने आई हूँ ओल्ड गोवा चर्च। अगर आप जो भी पैकेज लेते हो गोवा टूर का, और वहाँ पे जो साउथ गोवा का जो टूर रहता है आपका, जो बस टूर रहता है SIC बेस, तो उसमें ये वाला साइट सीन आपका इंक्लूड ही रहता है। तो ये पूरा जो चर्च है, दो साइड से चर्च है, तो मैं आपको पूरा बता दी हूँ। लेकिन अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैं आपको बाहर का ही व्यू बता पाऊँगी। तो चलिए चलते हैं, पूरा एक्सप्लोर करते हैं। बहुत सारे टूरिस्ट हैं, मैं आपको बता दी हूँ कि अभी देखिए टूरिस्ट अपडेट भी क्या है यहाँ की। तो चलिए चलते हैं। तो ओल्ड गोवा चर्च का दूसरा नाम है बेसिलिका ऑफ बॉम जीजस, और यहाँ पे एंट्री का कोई चार्ज नहीं है, आप फ्री में एंट्री कर सकते हो। और जो टाइम है उसका, वो 9 बजे से लेके 5 बजे तक का है। और अभी जैसे मॉनसून चल रहा है, और टूरिस्ट अपडेट आपके साथ में शेयर करूँ, तो आप जैसे देख रहे हो बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर हैं। हम लोग डायरेक्ट हार्वेलियम वाटरफॉल से यहाँ पे आए थे, तो आप अगर आप पर्सनल कार कर रहे हो तो आप पहले हार्वेलियम वाटरफॉल जाइए, फिर ओल्ड गोवा चर्च घूमिए, उसके बाद मंगेशी टेम्पल जाइए, और फिर पंजी का मार्केट एक्सप्लोर करके आप बोट क्रूज करके वापस अपनी होटल पे आ सकते हो। ऐसा पूरा टूर प्लान आप बना सकते हो। यहाँ पर एक ग्रुप आया है, तो देखिए पूरा जो ग्रुप है वो फोटो ले रहा है। और चलते हैं थोड़ा आगे, आगे मैं बताती हूँ आपको। तो अंदर तो वैसे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैं तो अंदर जाके आई। तो 15 से 20 मिनट लगते हैं अगर आपको पूरा शांति से देखना है। तो जैसे कि मैंने बताया, वहाँ से एंट्री है और वहाँ से ही उसका एग्जिट पॉइंट है। और जो ये ओल्ड गोवा चर्च है, वो 1958 में मोन्यूमेंट्स में आ जाता है। तो बहुत पुराना चर्च है, और यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्री चल रही है, वो मैं आपको बता दी हूँ। देखिए यहाँ पे छोटी सी डॉक्यूमेंट्री चल रही है। सो गाइस, तो देखिए यहाँ पे है ओल्ड गोवा चर्च, और यहाँ पे है एक न्यू चर्च और म्यूजियम। तो मैं अभी आई हूँ एग्जिट सामने, यहाँ पे नया चर्च है और म्यूज़ियम है, वो भी आप साथ में एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अगर आप बस में आते हो तो 1 घंटा बस यहाँ ठहरती है, 1 से 1.5 घंटा आपको टाइम मिलता है, तो दोनों चीज़ आप साथ में एक्सप्लोर कर सकते हो। ओल्ड गोवा चर्च और ये चर्च और जो म्यूज़ियम है, उसका टाइमिंग है सुबह 9 बजे ओपन होता है, शाम को 5 बजे तक ही ओपन रहता है। तो अगर आप अपना जो भी प्लान करते हैं वो इसी बीच में करिए। बस में तो अगर आप जाते हो तो वो टाइम से ही लेके आपको आते हैं, और फिर वो तो एक्सप्लोर हो जाता है। लेकिन अगर आप प्राइवेटली आते हो तो प्राइवेटली आपको जो टाइम है उसको ही फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर पूरा मैप लगा हुआ है कि अंदर आपको क्या क्या देखना है, कि आप कहाँ पे हो और कैसे देख सकते हो। देखिए यहाँ पे थोड़ी नोटिस बोर्ड में लिखा हुआ है सब कुछ। और अभी धीरे धीरे बारिश भी स्टार्ट हो गई है, तो मैं आपको बाहर से व्यू बता देती हूँ, बिकॉज यहाँ पे भी अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी बिल्कुल अलाउड नहीं है, तो नहीं जाएंगे। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, यहाँ पे 4 क्रिसमस ट्री है, 4 क्रिसमस ट्री जैसे ही ट्री है, तो ये इतनी अच्छी ब्यूटी है एकदम यहाँ की। चर्च के बाजू में ही क्रिसमस ट्री आपको मिल जाएंगे, देखिए दूसरा ये, फिर तीसरा यहाँ पे, और चौथा कॉर्नर पे पूरे 4 क्रिसमस ट्री लगे हुए हैं। लिखा हुआ है कि चर्च इस साइड जाना है आपको, और म्यूज़ियम इस साइड आपको जाना है। और यहाँ पे देखिए आपको एक परमानेंट एग्जीबिशन मिलेगा। तो बस देखिए इस टाइप का रहता है अगर आप ओल्ड गोवा चर्च घूमने के लिए आते हो, तो आपका अगर साउथ गोवा का ट्रिप है तो वहाँ पे यही वाला साइट सीन रहता है। दूसरा, इसके बाद जो रहता है
अगर 3 बजे के आसपास आपका ये ख़त्म हो जाता है तो मंगेशी टेम्पल है, डोनापोला बीच है, मीरामार बीच है, पंजी सिटी है और बोट क्रूज़ है 1 घंटे का। ऐसा पूरा जो 6 से 7 साइट सीन रहते हैं, सुबह 9 बजे बस पिकअप करने आती है जो शाम को आपको 7 बजे छोड़ती है। पूरे दिन का शेड्यूल आपका रहता है। तो मैंने आपको बताया ओल्ड गोवा चर्च, जो कि हम वाटरफॉल गए थे और बीच में ही आ रहा था तो हम भी एक्सप्लोर करने के लिए रुके, और मैंने एक्चुअली पहले देखा हुआ है लेकिन मैंने सोचा कि आपको भी एक बार बता दूं कि किस टाइप का रहता है ओल्ड गोवा चर्च। वैसे अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी लेकिन बहुत ही अच्छा है। आप जब भी गोवा आते हो तो ये एक आप विज़िट करिए अगर आपने नहीं किया है तो। तो बस ये वीडियो मैं यहाँ तक रखते हैं। आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो बस लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर।